जय जोहार, आप मन देखत हो आईबीसी 24 मैदानी के छत्तीसगढ़ ही बुलेटिन। शुरुआत करथन पहली खबर ले। मानसून के सक्रिय होते देश के कई ठीन जगह में झमाझम बरसा हुआ थे। कई ठीन जगह में बाढ़ के स्थिति बने हैं। एक संग छत्तीसगढ़ में घलो भारी बरसा होए के संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बस्तर संभाग और तीर्थखार के जिला मन में भारी वर्षा होए के संभावना है। मौसम विभाग है बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, चुई, कदान, गंडई, बालोद, जसपुर और बलरामपुर जिला में भारी वर्षा के येलो अलर्ट जारी करे है। पिछले 24 घंटा के दौरान कोरबा जिला में सबले ज्यादा 95 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करे गए। एक संग सरगुजा जिला में 75.7 मिलीमीटर, बलरामपुर जिला में 70 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 63.1 मिलीमीटर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में 47.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करे गए। राज्य में अब तक औसत ले 31% कमती वर्षा हो है। बात करथन दूसर खबर के। जिला प्रशासन जांजगीर चांपा और रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा डहले निजी क्षेत्र में जिला के शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवा मन के रोजगार उपलब्ध कराए के उद्देश्य ले 16 जुलाई 2024 के बिहनिया 11 बजे ले संझा 4 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर में मेगा रोजगार मेला के आयोजन करे जाते। जिला रोजगार अधिकारी हा बताएं कि मेगा रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के 11 सेक्टर में 30 निजी नियोजक डहले 7,233 पद में कार्यवाही करे जाही। उक्त रोजगार मेला में मैकेनिक सेक्टर में 836, सिक्योरिटी सेक्टर में 2500, कृषि सेक्टर में 113, फाइनेंस सेक्टर में 262, टेक्निकल सेक्टर में 480, सर्विस सेक्टर में 620, बीमा क्षेत्र में 163, स्वास्थ्य क्षेत्र में 242, शिक्षा क्षेत्र में 5, गारमेंट्स सेक्टर में 202 और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 पद शामिल है। कुल 7,233 पद पर शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, पीजीडीसीए आदि निर्धारित करे गए हैं। 16 जुलाई 2024 के आयोजित हो या रोजगार मेला में शामिल होए के इच्छुक युवा अपन सबो शैक्षणिक प्रमाण पत्र के संग लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर में उपस्थित हो सकते। ज्यादा जानकारी पर जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा ले घलो संपर्क करे जा सकते। बात करथन तीसर खबर के। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले एक ठीन बड़का खबर आगुआ है। यहाँ कोयला कारोबारी के कार्यालय के बाहर फायरिंग हो है। बताया जाते है कि दो घाव फायरिंग करेगिस, जिमा एक फायरिंग हवा मा और दूसर फायरिंग कार मा करेगिस। दूसर गोली कार के शीशा ले टकरा गई। बताया जाते है कि अमन साहू गैंग हा गोली चला है। घटना के बाद पुलिस सक्रिय होके आरोपी मन के खोजबीन शुरू कर दे। पुलिस शहर मन मा नाकाबंदी कर दे। मिले जानकारी के मुताबिक एक घटना बिहनिया करीबन 11 बजे के है। वही दो जीन बाइक सवार मन हा गोली चलाए है। बताया जाते है कि दोनों युवक मन हा मुंह मा मास्क लगा के आए रहिन। घटना के बाद भागत सीसीटीवी कैमरा मा फोटो कैद हो गए। बताया जाते है कि जोन व्यवसायी ऊपर हमला हो है वह पीआर कंस्ट्रक्शन ले जुड़े है। उखर करा सड़क बनाए और कंस्ट्रक्शन ले जुड़े व्यवसाय है। बात करथन चौथा खबर के। धमतरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर जिन पीछू देर रतिया क्षेत्र के दौरा के बाद घर आवत रहीस। हाईवे वाहन के चपेट में आए ले बाल बाल बचे है, जेकर से गुस्साए जिला पंचायत उपाध्यक्ष नगरी धमतरी रोड में बैठ के प्रदर्शन करीन, जेकर से दोनों डहले वाहन के लंबा लाइन लग गए। सूचना मिलते ही धमतरी SDM और खनन विभाग के अधिकारी मौका में पहुंचीन। खनन अधिकारी ले भयंकर बहस होइस। दरअसल रेत खदान 4 महीना ले बंद है, उकर बावजूद धमतरी में रेत के कारोबार अंधाधुंध चलत है। लगभग 2 घंटा के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष हाईवे वाहन में कार्रवाई के आश्वासन मिले में धरना प्रदर्शन खत्म करीन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के कहना है कि जिला में नियम के विरुद्ध रेत के अवैध खनन और परिवहन करे जाते और सैकड़ों हाईवे गाड़ी मन में हरेक दिन रेती लेके जावा थे, जेकर से दुर्घटना घलो हुआ थे। वहीं खनन विभाग ढाले अवैध रेत उत्खनन और परिवहन ऊपर कार्रवाई करे के बात कहे है। बात करथन अंतिम खबर की। बलौदा बाजार भाटापारा जिला में बड़े यातायात कार्रवाई हो है। जिला के कई यातायात थाना पुलिस ढहले सघन जांच अभियान चलाएगी।
जेमा वाहन के दस्तावेज बिना हेलमेट तीन सवारी मालवाहक गाड़ी में यात्री ला ले जाना नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करना बिना नंबर के गाड़ी जैसे यातायात नियम के उल्लंघन करैया गाड़ी मालिक मन ऊपर लगभग 118 छोटे बड़े गाड़ी ऊपर पुलिस कार्रवाई करत 28,500 रुपया के चालान काटे गिस उन्हें जागरूकता के रूप में समझाइस घलो दिन। आज के बुलेटिन में अतक ही जय जोहार।